मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिनिधि दल ने भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री को बैच एवं ध्वज से अलंकृत कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने अंशदान देते हुए कहा कि अधिक से अधिक छात्रों को स्काउट एवं गाइड से जोड़ा जाए। अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार के कार्यों में भारत स्काउट एवं गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में गढ़वाल भारत मंडल संस्था द्वारा आयोजित गढ़ कौथिक मेला 2022 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने समलोन नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि इस तरह के मेले एवं कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति, गायन, नृत्य के बारे में पता चलता है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें अपने पूर्वजों से अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, साथ ही उसे विरासत के तौर पर आगे बढ़ाना चाहिए। कुमाऊं की दो महिलाओं ने आज उपलब्धि हासिल की है। नैनीताल की बीडी पांडे अस्पताल के मैट्रिन शशिकला पांडे और उद्धम सिंह नगर के खटीमा के नागरिक अस्पताल में ANM गंगा जोशी को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। किच्छा में आज सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पांच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। शहर में जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। नगर कीर्तन में सबसे आगे पांच प्यारे चल रहे थे, उसके बाद हजारों स्कूली बच्चे व महिलाएं कीर्तन करते दिखाई दिए। नगर कीर्तन में गतका पार्टी के युवाओं ने तलवार लाठियों से हैरत अंगेज करतब दिखाए। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहब और गुरु इतिहास से जुड़ी झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। हम अपने धार्मिक आयोजन करते हैं और इससे समाज के अंदर जो बुराइयां वो दूर होती हैं, अच्छाइयों की ओर चलते हैं। जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, अपने पूर्वजों के कार्यक्रमों को मनाना इसका मतलब है कि बुराइयों को दूर करना, एकता की बात करना, समाज की बात करना, अच्छे भाईचारे की बात करना, तो सारे लोग मिलकर इन कार्यक्रमों को करते हैं। बीजेपी ने संगठनात्मक और प्रशासनिक जिलों के 19 अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इनमें महिलाओं और युवाओं को भी तरजीह दी गई है। भाजपा का कहना है कि सभी तजुर्बेकार और अनुभवी कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी अध्यक्षों की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जल्द ही सभी जिला अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। जिला व मंडल स्तर पर इन सभी जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए, बिल्कुल, संगठन की मजबूती देने हेतु जिस भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है वो अपने जिम्मेदारी का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करता है। साथ में ही क्योंकि आज जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है, जिन भी कार्यकर्ताओं को ये आज जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है उनको सर्वप्रथम तो मैं बधाई देती हूँ और संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। पौड़ी जिले की श्रीनगर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को परिजनों की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने स्कूल से आते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद इस मामले में परिजनों ने श्रीनगर महिला थाने में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश में है। ये मामला एक्चुअली घटना 1/11 की है और 2/11 को ये साय हमारे यहाँ FIR नाबालिग लड़की के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी और इसमें नाबालिग लड़की है तो इसमें 354, 506 और 7/8 पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनको कल दिनांक 4 तारीख को 4/11 को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। एक लड़का इसमें धौतरी उत्तरकाशी का है और एक लड़का बंसी वाला सहसपुर देहरादून का है। सर, परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज किया है?